एमडीजैन इंटर कॉलेज के शांति सागर सभागार में भारतीय जैन संगठना और सत्यमेव जयते की तरफ से निशुल्क LN4 कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। इस शिविर में विभिन्न शहरों से आए 350 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम हाथ निःशुल्क वितरित किए गए। देखिए, आगरा में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह का सेवार्थ कार्यक्रम किसी संस्था ने लिया है। ये LN4 करके अमेरिकन कंपनी है, वो LN4 ने इस तरह का कृत्रिम हाथ बनाया है जिसके माध्यम से हल्का सिर्फ 350-400 ग्राम का हाथ है और उसको अटैचमेंट के रूप में लगाया जाता है, डिस्प्ले आपने देखा होगा, और उसको उंगलियों के माध्यम से चलता है। आदमी रोज़मर्रा के काम जैसे रोटी बेलना, चम्मच उठाना, टूथब्रश करना, साइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, वो सारे कार्य कर सकता है। अभी तक जितने भी हाथ आते रहे हैं वो आर्टिफिशियल आए हैं, भारी आए हैं, दिखने में तो दिखते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, तो लोग उठा के रख देते थे। लेकिन ये हाथ सिर्फ 350-400 ग्राम का हर के यूज़ में आ रहा है। और आज सबसे बड़ी बात है कि सत्यमेव जयते और BGS ने मिलकर बहुत बड़ी टीम यहाँ आई है, जिसमें शांति मांगलिक नर्सिंग होम, GG नर्सिंग होम, पुष्पांजलि नर्सिंग कॉलेजेस, तीनों वहाँ के सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने यहाँ बुलाया है, ट्रेन कराया है, MDJN इंटर कॉलेज के LSS के छात्रों को लिया है वॉलेंटियर के रूप में। टीम वर्क ये आप देख पाएंगे, और बहुत बड़ी टीम मिलकर ये हाथों को बदल रही है। लगभग 350 हाथ बदल जाएंगे ऐसी हमारी उम्मीद है, 300 का क्रॉस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये भारतीय जैन संगठना और सत्यमेव जयते ट्रस्ट मिलके और रोटरी क्लब ऑफ पूना डाउनटाउन और LN4 अमेरिका के सहयोग से हमने ये शिविर यहाँ MDJN इंटर कॉलेज में लगाया है, जिसमें करीब 350 लोगों के कृत्रिम हाथ उनको उपलब्ध कराए हैं। बहुत ही सुगम हाथ है ये, करीब 300 से 350 ग्राम का हाथ है, और जी 350 ग्राम का हाथ है, और ये बहुत अच्छे से कोई भी दैनिक कार्य ये इस हाथ को लगने के बाद ये अपना कोई भी कर सकता है। भारतीय जैन संगठना और सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा जो विकलांग बंधुओं के लिए जो हाथ LN4 हाथ लगाने का जो एक कैंप MDJN इंटर कॉलेज आगरा हरी पर्वत पर लगाया गया है, वह बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य है। ऐसा कार्य जिन जो लोग अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं और जो आर्थिक समस्याओं के कारण इस तरह के हाथ को लेने में असमर्थ थे, ऐसे लोगों को ये हाथ उपलब्ध करा करके उन लोगों ने जितना मानवता का धर्म अपनाया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और जो लोग यहां पर इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं वे निश्चित रूप से अपने जीवन में इसका उपयोग करके अपने जीवन को सरल बनाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जैसा कि विगत है, भारतीय जैन संगठना और सत्यमेव जयते ट्रस्ट ये दोनों ही अपने सेवा भाव के कार्य में हमेशा अग्रणी रही हैं। अनेकों काम हमने समाज के लिए आगरा में किए हैं, आगरा के बाहर भी हमने कुछ प्रयास किए, काम किए हैं, लेकिन भारतीय जैन संगठना के पूना हेड ऑफिस की तरफ से हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि LN4 अमेरिका की जो कंपनी है जो LN4 के हाथ जो लगाती है, आर्टिफिशियल हाथ लगाती है, ये अमेरिका का टेक्नोलॉजी इंडिया में BGS के थ्रू काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन आगरा में सौभाग्य मिला कि भारतीय जैन संगठना को और सत्यमेव जयते को एक जॉइंट वेंचर के रूप में ये काम करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में ये पहला ही ऐसा कैंप है, और ऐसा हाथ जो है यहाँ का जो अपने जो लोग लगा के गए उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने दैनिक कार्य इस हाथ से अपने नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, और इतना हल्का हाल जो कि किसी को भी रूप में लगवाना एक कठिन कार्य है वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रहे हैं। ये जो सेवा का कार्य है निश्चित रूप से बड़ा अतुलनीय कार्य है, और संभवतः मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरी सोशल लाइफ रही उसमें इस तरीके का सेवा कार्य मैं पहली बार देख रहा हूँ। बड़ा रोमांचित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ये BGS संस्था जो कि पूना को बिलोंग करती है, सत्यमेव जयते की संस्था है जो कि पूरी तरीके से इस कार्य में समर्पित है, और निश्चित रूप से ये जो हमारी संस्थाएँ हैं ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरित करती हैं, एक बड़ा विजन हमारे सामने रखती हैं। अभी तक हम जो कार्य करते हैं केवल अपना अपने लोगों के लिए करते हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था हम यह देख रहे हैं इतने सारे लोगों को हाथ प्रदान करना, और उस हाथ के माध्यम से वो जब अपना नया जीवन जिएंगे, अपना एक नया रोमांच वो अपना महसूस करेंगे, तो निश्चित रूप से बड़े प्रेरणादायी पल हैं।
और मैं तो BJS को और सत्यमेव जयते संस्था को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा। साथ ही जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि भविष्य में वो इस तरीके के सामाजिक कार्य लगातार करते रहें। LN4 ये कृत्रिम हाथ है, प्रोस्थेटिक हैंड डिवाइस, और इसको एलन मेडोज प्रोस्थेटिक हैंड फाउंडेशन अमेरिका निर्मित करती है और दुनिया में करीबन 80 देशों में भेजती है। सभी जगह इसका विनामूल्य वितरण किया जाता है। यहाँ पे पुणे डाउनटाउन रोटरी की तरफ से भारत भर में इसके शिविर लगाए जाते हैं। ये 67वां शिविर है और इसमें हमारा सहयोग भारतीय जैन संगठना और सत्यमेव जयते ट्रस्ट आगरा दे रहे हैं। अभी तक पुणे डाउनटाउन के माध्यम से 10,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को इस हाथ का लाभ हो चुका है। देखिए, ये आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पहली बार ये कैंप लगाया गया है। LN4 इसका टेक्निकल नाम है, और ये जो कृत्रिम हाथ है, मैकेनिकल हाथ है, जो कि अमेरिका में बना हुआ है, और इसमें रोटरी क्लब पुणे डाउनटाउन के सहयोग से ये लगाया गया है, और आगरा में BJS और सत्यमेव जयते ट्रस्ट के माध्यम से लगाया गया है, और रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन का कोलेबोरेशन अमेरिकन सोसाइटी से है, और वहाँ से ये सब प्रोस्थेटिक हैंड आते हैं, और उनका ये लगभग 60 कैंप उनके हो चुके हैं अब तक पूरे देश में, और अब इसकी एक शाखा यहाँ आगरा में भी स्थापित करने की है, जिससे कि लोगों को कहीं नहीं भटकना पड़े। और आज हमारे पास लगभग 90% जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो ईस्टर्न UP और बिहार से आए हैं, लोकल आगरा के और आसपास के कुल 10% हैं, जबकि हमने बराबर प्रचार प्रसार अपना करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है आप लोगों के माध्यम से जब हम इसका कैंप रिपीट करें तो अधिक से अधिक आप हमें इसका प्रचार प्रसार करके और आगरा को और जो है अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।